प्रश्न नंबर छः, दिखाइए शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू बड़े ब्रैकेट में एक्स लिखा है, इसको महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू इन बिग ब्रैकेट में एक्स, बिंदु एक्स बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। और जो बड़े ब्रैकेट में एक्स लिखा है, जहाँ एक बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है एक्स उसके अंदर है, वो महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसकी अवकलनीयता की को हमें सिद्ध करना है कि वो एक्स बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है। वैसे तो देखा जाए एक्स बराबर दो पर भी ये अवकलनीय नहीं है, एक्स बराबर तीन पर भी नहीं है, एक्स बराबर माइनस वन पर नहीं है, लेकिन इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर छः में हम एक्स बराबर एक पर इसकी अवकलनीयता की जांच करके देखेंगे और पाएंगे कि ये महत्तम पूर्णांक फलन एफ ऑफ एक्स, बड़ा ब्रैकेट में एक्स लिखा है, महत्तम पूर्णांक फलन अवकलनीय नहीं है। तो ध्यान से आप देखें कि इसका हल किस तरह से है। तो लीजिए प्रस्तुत है बच्चों इसका हल। तो बच्चों आपने देखा कि जो डिफरेंशिएशन में अवकलनीयता पर, डिफरेंशियबिलिटी पर केवल डिफरेंशियबिलिटी के जांच करने के बजाय डिफरेंशियल कोफिशेंट की जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर, मूल आधार पर जो परिभाषा है एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो कुछ डिफरेंट सवाल आपको मैंने अभी बताया, अब ऐसे ही कुछ और सवालों पर आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर छः में हमें कुछ स्पेशल फंक्शन पर बात करें। आपको मालूम है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा बड़े ब्रैकेट में एक्स लिखते हैं, इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है, समीकरण नंबर एक कह दूं मैं इसको, उसकी जांच करके देखना है या सिद्ध करना है कि ये फंक्शन जो है बिंदु एक्स बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। जब इस फंडामेंटल महत्तम पूर्णांक फलन, जो एक स्पेशल फंक्शन है, उस फंक्शन पर आप ध्यान दें, तो आपको मालूम होगा कि जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू मैं यहाँ बड़े ब्रैकेट में एक्स लिख रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू यदि मैं 0.5 करता हूँ तो उसका महत्तम पूर्णांक मान उसका 0 आएगा, और 1 करता हूँ तो एक्स की जगह तो 1 ही आएगा, और एक्स की वैल्यू -0.5 ले तो उसकी वैल्यू -1 आएगी। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जैसे एक्स बराबर 0 रख दें मान लो, तो 0 महत्तम पूर्णांक फलन 0 की वैल्यू 0 होगी, महत्तम पूर्णांक यानी पूर्णांक में आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। 0.99 भी रहेगा तो भी 0 आएगा, 0.99 जो बहुत 1 के नज़दीक है, और 9 ले लीजिए, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। अब इसके ग्राफ पर भी यदि हम विचार करें कि एक्स बराबर 0 वैल्यू तो ग्रहण करता है, लेकिन 1 से कम में ये ग्राफ ऐसा है, ये 1 है एक्स एक्सिस पर। ग्राफ पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मान लीजिए 2 है, तो ये 2 से कम में, 2 से कम एक्स का मान रहेगा, तो जो 2 से कम यानी सोचो 1.9
यदि 1.9 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे महत्तम गुणांक में तो 1 आएगा। तो 2 से कम राशि में ये फंक्शन की वैल्यू 1 आती है 2 से कम में, इसलिए मैंने ये ऐसा घेर के करता हूँ इसको। 1 से कम यानी 1 को ग्रहण नहीं करना है, 1 से कम में ये वैल्यू 0 पर आएगी। तो ये जो ग्राफ है आपको, ये महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ है। अब बिंदु 1 पर मुझे इसकी अवकलनीयता की जांच करना है, तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं एक्स बराबर 1 पर फंक्शन एफ एक्स जो महत्तम पूर्णांक फलन है की आरएसडी का कैलकुलेट करूंगा। यानी कुल मिला के मैं आर एफ डैश एट पॉइंट 1 बाई और की का अवकल गुणांक एक्स बराबर 1 पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ये हिंदी में इसका मतलब ये है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो आपको दिख रहा है कि आर एच डी जो है राइट हैंड डिफिसिबिलिटी एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1 पर, जिसका कोड इस ऐसा लिखो या ऐसा लिखो एक ही मतलब है, 1 पर करना है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, फिर वही बात, एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये अवकल गुणांक की परिभाषा है। और 1 के ऊपर प्लस साइन का मतलब है एक से ज्यादा वन 1.5 1.2 प्लस इन्फिनिटी से 1 की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। इनिशियल वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो एनीवे बच्चों, एफ एक्स की डेफिनेशन तो डायरेक्ट ड्यूअल नेचर में है ही नहीं, तो हम इसको 1 के हिसाब से बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि आर एस डी जो है, जिसको हम आर दोनों कोड को मैं आपको सिखा रहा हूँ, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस कर दें, और ये मापांक फलन है। और मैंने अभी बताया कि x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, इसमें 1 रखो, एफ एक्स बराबर क्या है देखिए साइड में, महत्तम पूर्णांक फलन है। x बराबर यदि मैं 1 रखता हूं तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू महत्तम पूर्णांक मान 1 का होगा, और 1 का महत्तम पूर्णांक मान कितना होता है, 1 होता है। तो f ऑफ 1 हमको 1 दिख रहा है, और एफ ऑफ एक्स तो मापांक महत्तम पूर्णांक फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन है, और एक्स माइनस 1 है। अब लिमिट को सिंप्लीफाइड करने के लिए इसमें कोई शक नहीं, हालांकि इसको हम कर सकते हैं, लेकिन लिमिट सिंप्लीफाइड करना यहाँ आप सीखिए, उसकी उपयोगिता यहाँ आपको समझ में आएगी कि जब एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस हो तो एक्स बराबर हम मानते हैं 1 प्लस एच, 1 से ज्यादा, 1 से कम में 1 माइनस एच। और चूंकि हमें क्वेश्चन में जो हम काम कर रहे हैं उसमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एक से ज्यादा नजर आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 से ज्यादा हमें रखना पड़ेगा। 0 से ज्यादा एच का मान होगा, 0 से ज्यादा पर 0 की तरफ अग्रसर है इसका मतलब, और 1 से ज्यादा पर 1 की तरफ अग्रसर है एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस का मतलब है। दोनों बातों को समझिए। यहां प्लस क्यों करता हूं, क्योंकि h का मान 0 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तभी x का मान 1 से ज्यादा से हम 1 की तरफ अग्रसर होंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों, और जब आप समझ लेंगे तो आपको काफी मजा आएगा। तो इसको जब मैं आगे और सिंप्लीफाई करूं, आरएसडी हम निकालने जा रहे हैं, और जिसका कोड दो प्रकार से मैं लिखता हूं, आर एफ डैश 1, और यदि मैं इसकी लिमिट चेंज करूं तो लिमिट एच के फॉर्म में। ये लिमिट का सिंप्लीफिकेशन है, सरलतम रूप है, और इसके जगह महत्तम पूर्णांक फलन 1 प्लस एच होगा, और माइनस 1 तो ऑलरेडी कर चुका हूं, और नीचे की वैल्यू 1 प्लस एच, एक्स की जगह 1 प्लस एच माना है, ये देखिए एक्स की जगह 1 प्लस एच लिख दिया,
और ये माइनस वन है तो ये माइनस वन, और ये कैंसिल हुआ तो हमें आर एस डी जो मिल रहा है, जिसको हम आर एफ डैस वन देख रहे हैं, वो है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए कि एक से ज्यादा यदि x की वैल्यू 1 प्लस h का मतलब क्या है? एफ एक्स बराबर मुझे मालूम है, क्वेश्चन में दिया है महत्तम पूर्णांक फलन, और मैं x के जगह 1 प्लस h लिख रहा हूं, एक से ज्यादा लिख रहा हूं, तो यहां भी 1 प्लस h होगा, और h एक से ज्यादा तो मतलब 0.5 है, मान लीजिए 0.1 है, तो ये 0.1 है, तो f ऑफ 1.1, तो f ऑफ 1.1 आएगा। h के जगह में 0.1, थोड़ा सा आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि 1 प्लस h की वैल्यू 1 है, f महत्तम पूर्णांक फलन 1 प्लस h की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 माइनस वन अपॉन एच, तो लिमिट को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लिए हैं बच्चों, एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, ये जीरो अपॉन एच है और ये ऑलरेडी जीरो है, तो इसकी जो राइट हैंड डेरिवेटिव है एक्स बराबर एक पर महत्तम पूर्णांक फलन एक्स का आर एफ डैस वन की वैल्यू हमें जीरो मिल रही है, इसको हम समीकरण नंबर दो में कहें। अब आप एक्स बराबर एक पर फंक्शन एफ एक्स, जिसको महत्तम पूर्णांक फलन कह रहे हैं आप, का एलएचडी निकाल के देखें, एलएचडी निकाल के देखें। तो बच्चों आपने ये देख लिया कि जो आर एस डी है वो आर एफ डैस वन कोड में भी मैं लिखता हूँ, और ये जीरो है, तो ये जो न्यूमिनेटर में जीरो है तो इसकी जो लिमिट है वो जीरो है, यानी कुल मिला के यहाँ पर आप समझ जाइए कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस जीरो है, ये तो जीरो की लिमिट जीरो है। आप ये समझना कि ये जीरो बटे जीरो है, तो अनडिटरमाइंड फॉर्म जैसा लगता है, कुछ बच्चों का प्रश्न पढ़ाते समय मुझे ये बच्चे ने पूछा था, तो इसकी लिमिट जीरो है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो आ गई। उसके बाद आप ये कहेंगे कि इसका राइट हैंड डेरिवेटिव एक्स बराबर वन पर जीरो है, जो समीकरण नंबर दो से हम दिखा रहे हैं। अब बच्चों एक्स बराबर एक पर जो दिया गया फंक्शन एक है, एफ एक्स बराबर, और स्पष्ट लिख दूं, महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की एलएचडी निकाल के देखते हैं। एलएचडी का कोड क्या है? एल दाहिने ओर की अवकलनीयता, अवकल गुणांक बिंदु एक पर, ये ज्यादा और स्पष्ट है, तो इसको हम सिंप्लीफाइड करने जा रहे हैं, एल एस डी को सिंप्लीफाई करने हैं, और इसको एल एफ डैस वन लिख सकते हैं, और वो हमें किस तरह से मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन के ऊपर माइनस साइन एफ ऑफ एक्स, ये डेफिनेशन है, और माइनस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन। जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है वन के ऊपर माइनस, एक से कम से हम एक की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो पहले तो एफ ऑफ वन समझ लें, और एक्स के जगह इसमें कोई शक नहीं कि हम यहां पर एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एच मानेंगे। जब लिमिट चेंज करने की बात आएगी, और इसमें स्पष्ट है कि लिमिट जब आपको दिख रही है कि एक्स टेंडिंग टू वन से कम है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस होगी,
जीरो से थोड़ा सा ज्यादा होगी, ये जीरो से ज्यादा होगा तभी एक से कम हो पाएगा एक्स का मान, यानी ये सिंप्लीफिकेशन है लिमिट का। तो लिमिट हम यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं एच टेंडिंग टू जीरो प्लस। राइट हैंड डेरिवेटिव में भी आपने देखा कि लेफ्ट हैंड जब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो भी जीरो प्लस आ रहा है एच टेंडिंग टू, और लेफ्ट हैंड में भी जीरो प्लस आ रहा है, तो अच्छी बात है, आपको दिक्कत नहीं है। और आपको मालूम है कि एफ एक्स का मतलब क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन। तो यहाँ पर नो डाउट कि हम 1 माइनस एच लिखेंगे एक्स के जगह पर, एफ एक्स का मतलब मोड महत बड़े ब्रैकेट में एक्स है, तो बड़े ब्रैकेट में हम 1 माइनस एच लिखते हैं, और माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि आपने देखा एक्स बराबर 1 पर एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है। एक्स एफ एक्स बराबर 1 है तो एफ ऑफ 1 माने महत्तम पूर्णांक मान 1 का 1 है, और नीचे आपने 1 माइनस एच लिख दिया है, माइनस 1 लिख दिया है, तो आपको ये 1 से 1 कैंसिल होते हुए नजर आ रहा है। एक से कम महत्तम पूर्णांक फलन का मान, ये एच की वैल्यू 0.1 है मान लो, तो एक से कम 0.1 है तो ये 0.9 आएगी, और 0.99 में मैंने बताया था इसका मान जीरो है, तो 1 माइनस एच की वैल्यू डायरेक्ट आपको दिख रही है। तो ये LHD लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पर हमें नजर आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस इसका मान जीरो। आप देखिए डायरेक्ट 1 प्लस एच एक से थोड़ा सा ज्यादा, 1.1 का महत्तम पूर्णांक मान 1 है, एक से कम में महत्तम पूर्णांक मान 0 है, और माइनस 1 अपॉन माइनस एच आया। तो आपको एलएचडी नजर आ रहा है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस माइनस 1 अपॉन माइनस एच, दिस इज कैंसल आउट, और जो कि डज नॉट एग्जिस्ट है। अब वो 1 नहीं बोलेंगे आप, ये तो 0 अपॉन एच आया था तो 0 हो गया था, तो इसकी जो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की जो लिमिट है वो 0 मिल रही थी, यहां जब एच टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे तो 1 अपॉन एच आएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड करके बता दें, LHD की वैल्यू बच्चों हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको आप LF-1 भी कह रहे हो, और वो जो लिमिट आ रही है वो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 प्लस आ रही है, 1 अपॉन एच आ रहा है, ये 1 अपॉन 0 यानी इन्फिनिटी तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये परिभाषित नहीं है, ये सीमा, इसकी सीमा परिभाषित नहीं हो पा रही है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ही परिभाषित नहीं हो पा रहा है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं होते हैं तो अवकलनीय नहीं होता है। तो स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि हम यहां इस प्रश्न में ऐसा नहीं ले सकते कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, RHD कितनी है, 0 है, और LHD डिफाइन नहीं है। तो LHD डिफाइन नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता कि LHD को हम RHD से कंपेयर कर सके, ये डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट दिख रहा है। तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं बच्चों कि मापांक महत्तम पूर्णांक फलन बिंदु x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल, ये रिजल्ट देंगे, नॉट डिफरेंशिएबल। और भी आप करके देखें, x बराबर 1 पर, x बराबर 2 पर, x बराबर 3 पर, विभिन्न बिंदुओं पर जो पूर्णांक है, पूर्णांक पॉइंट है, उन बिंदुओं पर x बराबर -1 पर, x बराबर -2 पर, इन समस्त पूर्णांक संख्याओं पर, समस्त पूर्णांक संख्याओं पर मापांक फलन 1 अवकलनीय नहीं है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में काम आएगा बच्चों। और जो x बराबर 1 पर मैंने जो सॉल्व किया है वो बोर्ड का क्वेश्चन है,
लेकिन आप ये समझ रहे हैं इस प्रश्न के काफी विस्तृत और गहराई से डिस्कस करने के बाद कि आपको नजर आ रहा है बच्चों कि एक्स बराबर एक पर यह अवकलनीय है तो एक्स बराबर दो पर भी नहीं होगा, एक्स बराबर तीन पर भी नहीं होगा, एक्स बराबर जीरो पर भी अवकलनीय नहीं होगा, एक्स बराबर वन पर भी अवकलनीय नहीं होगा, अब माइनस वन पर भी अवकलनीय नहीं होगा, माइनस टू पर भी अवकलनीय होगा। इसका मतलब समस्त पूर्णांक संख्याओं पर ये जो फंक्शन है मापांक महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो अवकलनीय नहीं है। और वैसे और भी आप होमवर्क करें कि ये संतत भी नहीं है उन बिंदुओं पर, आप करके देखें, संतत मैंने आपको पढ़ा चुका हूं कि एक्स बराबर एक पर ये कंटिन्यूअस भी नहीं है। तो ये एक स्पेशल फंक्शन है जो पूर्णांक संख्या एक्स बराबर एक पर अवकलनीय भी नहीं है और संतत भी नहीं है, आप करके देखेंगे।